अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5C, जो कि मैथमेटिक्स बुक 1 की एक्सरसाइज 5C है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में कर दिए थे। तो अगर आपको वो देखने हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, तो आप इसी एक्सरसाइज 5C का पार्ट 1 देखें। और ये हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है हमारे पास कि इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट, फाइंड द नंबर। अब इसमें है क्या हमारे पास कि हमारे पास एक नंबर है कि उस वो हमारा सेम रिजल्ट, मतलब कि एक नंबर है, उसको अगर हम ट्रिपल करें तो वो वही हमें रिजल्ट देगा अगर उसके बीच में 28 को ऐड किया जाए। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा जी, लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। हमने नंबर वो लेट कर लिया है, एक्स कर दिया है। अब इधर लिखा हुआ क्या है कि इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, यानी कि 3 टाइम्स इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, वो मैंने लिख दिया उसको 3x, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड इन इट, यानी कि वो बिल्कुल उसके इक्वल होगा कि अगर उसी नंबर यानी कि x में 28 को ऐड किया जाए। अब आप देखें, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही एक क्वेश्चन बना दिया है। जैसे कि लिखे लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज ट्रिपल, तो मैंने 3x लिख दिया है। इट गिव द सेम रिजल्ट, जब सेम रिजल्ट था तो मैंने इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे, एज व्हेन 28 इज एडेड इन इट, यानी कि 28 को उसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28। अब जब 3x में से हम x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 28, यानी कि x इज इक्वल्स टू 28 बाय 2, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 14। यानी कि अब क्वेश्चन में क्या था हमारे पास के फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमने फाइंड कर लिए जो कि हमारे पास है 14। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे द नंबर इज 14। सही जी, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले तो हम उसको पढ़ते हैं कि वो हमारे पास है क्या। तो अ ट्रैवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम टू कोच कंपनीज, माया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडेज। माया एक्सप्रेस चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन, वाइल ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस अ फिक्स अमाउंट ऑफ $84 एंड एक्स्ट्रा ₹12 पर पर्सन इफ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बाई ईच कंपनी इज सेम, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडेज। तो जी, अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक ट्रैवल एजेंसी है कि जिसने हॉलीडेज के लिए दो, एक तरह की आप कह लें कि कोच कंपनीज हैं, माया एक्सप्रेस है और एक हमारे पास है ग्रेट हॉलीडे, वो उन्हें हायर की हैं। तो अब हमने बताना है कि उनके चार्जेस, इन्हें बताए हुए हैं कि जो माया एक्सप्रेस है वो 15 चार्ज कर रही है और जो ग्रेट हॉलीडे है वो कांस्टेंट यानी कि फिक्स अमाउंट 84 है और ₹12 वो ऊपर लेते हैं। तो हमने बताना है टोटल हमने एंड में ये बताना है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडेज, हमने फाइंड करने के टोटल कितने जो बंदे हैं वो हॉलीडेज पे गए थे। तो सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है कि हम लोग इधर लिख देते हैं कि माया एक्सप्रेस चार्ज, या सबसे पहले लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं लेट द पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे
इज इक्वल्स टू एक्स कर लेते हैं। अब इधर क्या लिखा हुआ है कि माया एक्सप्रेस कितना चार्ज कर रही है, $15। तो हम इधर लिख देते हैं माया एक्सप्रेस चार्जेस इज इक्वल्स टू $15। और दूसरी कौन सी थी, ग्रेट हॉलीडे, अब इधर क्या लिखा हुआ है कि वो कितना चार्ज करती थी, फिक्स अमाउंट ऑफ 84। जब भी किसी जगह फिक्स अमाउंट लिखी हो इसका मतलब है वो चीज़ कांस्टेंट है, उसके साथ एक्स नहीं आता, तो क्या हो जाएगा 84 एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 12 पर पर्सन। अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ $12 वो ले रहे हैं पर पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12x, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये जो दो कंपनीज हैं चार्ज बाय मतलब कि सेम चार्ज करती है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस बाय ईच कंपनी इज सेम, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्योंकि सेम ही चार्ज कर रही है तो हम इसको लिख देंगे 15x, यानी कि माया एक्सप्रेस के चार्जेस इज इक्वल्स टू ग्रेट हॉलीडे के, तो क्या हो जाएगा 84 प्लस 12x। तो वही सेम चीज़ के वेरिएबल्स को अलहदा कर लेंगे और हम कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 84, यानी कि 15x में से जब 12x को हम माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 84। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल्स टू 84 बाय 3, यानी कि दिस इम्प्लॉयज 328, तो x इज इक्वल्स टू 28। तो हमने x किसको लेट किया था, पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे, सो देयर आर, तो एंड में हम लिख देंगे देयर आर 28 पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे। तो ये था मतलब कि इसका सोल्यूशन, जिसमें हमने बताना था कि टोटल नंबर ऑफ के कितने बंदे जो हैं वो हॉलीडेज पे गए थे, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर इज 3 times एज मच एज द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन। If 12 boys who play soccer play badminton instead, the number of boys who play each of these sport would be the same. Find the number of boys who play badminton. अब इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक स्कूल है जिसमें जो बॉयज़ हैं वो सॉकर खेलते हैं वो 3 times हैं अगर हम कंपेयर किए जाए तो जो लड़के खेलते हैं बैडमिंटन उनसे, तो वो ज़्यादा हैं, 3 times ज़्यादा हैं। तो इधर सोल्यूशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द बॉय प्ले बैडमिंटन इज इक्वल्स टू एक्स कर लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि जो सॉकर खेलते हैं वो बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं उनसे 3 times ज्यादा हैं, तो इधर हम लिख लेंगे let the boys, yes darling, let the boys play badminton की जगह soccer लिख देते हैं, soccer is equals to क्या उसके 3 times हैं, तो इधर लिख देते हैं 3x। अब इधर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक और condition भी है यहाँ पे कि the number of boys who play soccer is 3 times, ये तो हमने कर लिया as the number of boys who play badminton. If 12 boys who play soccer play badminton instead, यानी कि जो 12 लड़के थे जो के खेलते थे soccer, वो किसकी तरफ चले गए, badminton की तरफ, तो हम लोग क्या इधर कर देंगे, यानी कि इधर हम लोग लिख देते हैं ये soccer था ना, यानी कि soccer में से 12 जो boys थे वो चले गए, तो यहाँ पे minus 12 लिख देते हैं is equals to, और वो बैडमिंटन में आए थे, is equals to x plus 12 कर देते हैं हम, तो
ये हो गया, क्योंकि सबसे पहले बैडमिंटन को हमने एक्स लेट किया था और सॉकर प्लेयर्स को 3x लेट किया था, तो सॉकर में से क्योंकि गए थे तो इस वजह से 3x माइनस 12 कर दिया, और बैडमिंटन में वो आए थे तो इस वजह से x प्लस 12 कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फिर वही चीज़ के वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 12, और ये वाला 12 इधर आके हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस x हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 24, यानी कि x इज इक्वल्स टू 24 बाय 2। दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा हमारे पास 2 12 होते हैं, x हमारे पास 24 आ गया, सॉरी 12 आ गया। अब क्या हमारे पास हो जाएगा, हमने क्या फाइंड करना था, बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, तो हम इधर लिख देंगे फिर, देयर आर 12 बॉयज हु प्ले बैडमिंटन, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन के, हमने फाइंड करना था कितने बॉयज ने बैडमिंटन खेली, तो वो हमने फाइंड कर लिया कि 12 बॉयज थे, तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन था। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज टू 1/4 ऑफ द नंबर, कि एक नंबर है उसका द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, यानी कि उस नंबर का अगर हाफ कर दिया जाए और उसको ऐड कर दिया जाए 49 में, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 1/4 के। तो स्टार्ट करते हैं, लेट वैसे ही लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स कर लेते हैं। अब इधर क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ हाफ ऑफ नंबर, तो हाफ ऑफ नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ एक्स, सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49, यानी कि हाफ ऑफ नंबर प्लस 49 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 1/4, तो हम लिख देते हैं 2 1/4। ये हो गया हमारे पास, और इज इक्वल्स टू 2 1/4 ऑफ द नंबर, 2 1/4 ऑफ द नंबर यानी कि उसी नंबर का 2 1/4 के इक्वल है, तो इसके साथ इस वजह से एक्स आए हैं। अब वही चीज़ के हम लोग वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बाय टू और प्लस 49, बल्कि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 9, 9/4 एक्स। अब वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं, एक्स बाय टू माइनस 9/4 एक्स इज इक्वल्स टू, ये 49 इधर आके हो जाएगा माइनस 49, और इस साइड पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 है इधर, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9/4 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 49। अब ये हमारे पास है 2x माइनस 9x, 2x बाय 4 माइनस 9x बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 49, क्योंकि 2x अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसे कर देंगे 2x माइनस 9x बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 49, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है हमारे पास, जैसे कि 2x माइनस 9x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 7x बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 49, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, बल्कि हमें जो है ना ये 7/4 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा इस साइड का और इस साइड वाला, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह 7x बाय 4 इज इक्वल्स टू 49। दिस इम्प्लाइज इसको जब हम इस साइड पर अगर कोई इज इक्वल टू के इस साइड पर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दूसरी साइड पर जाके वो डिवाइड में हो जाती है, यानी कि एक तरह का इसका हम रेसिप्रोकल अगर लें, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 7/4 है, तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा
फोर बाय सेवन और साथ में आ जाएगा 49। अब हमें पता है कि सेवन सेवन से 49 होते हैं, तो ये कटिंग कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 × 7, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x का, x इज इक्वल्स टू 28। तो वो नंबर क्या था फिर हमारे पास 28। तो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हम इधर एंड में लिख देंगे द नंबर इज 28। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हम अगर सम ऑफ हाफ नंबर और 49 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आता है 2 1/4 आता है। तो हमने फाइंड करना है कि वो बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 28। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे और वीडियोस बनानी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि उसके बीच में मेरे बाकी जो वीडियोज़ हैं उन सबके लिंक्स हैं। तो बस इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।